हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो भाई आज से लागू हो रहे हैं नए 3 क्रिमिनल लॉज। क्या है जानते हैं? अब IPC CRPC एविडेंस एक्ट नहीं रहेगा। नाम क्या है, 10 बड़े बदलाव क्या हैं, सब कुछ समझेंगे इसके अंदर। बट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। तो देखिए 3 नए लॉज। नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये 3 लॉस अफेक्ट में आज से, दैट इज 1 जुलाई 2024 से आ रहे हैं। ये लॉस ब्रिटिश एरा के टाइम चले आ रहे हुए इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए लाए गए हैं। तो जानते हैं कि वो 10 ऐसे कौन से अपडेट्स हैं इन नए क्रिमिनल लॉज को लेके। सबसे पहला तो कुछ इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स इन नए क्रिमिनल लॉज की ये हैं कि समन्स होंगे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, मैंडेटरी वीडियोग्राफी होगी क्राइम सीन की। ये ज़रूरी है कि जहाँ पे भी क्राइम सीन हो वहाँ पे ये ज़रूरी है कि वीडियो प्रॉपर बने। रजिस्ट्रेशन हो पुलिस कंप्लेन का ऑनलाइन और 0 FIR का प्रावधान हो। दूसरी बात कि अंडर द न्यू लेजिस्लेशन, ये जो नए लॉज हैं उनके अंदर जो विक्टिम्स हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी भी मिलेगी FIR की, और वो इस बात की गारंटी देगी कि इनका इन्वॉल्वमेंट एक लीगल प्रोसीडिंग्स में रहा है। तीसरी बात कि एक इंटरव्यूइंग एस्पेक्ट लॉ का वो ये है कि अगर मान लो कोई इंसान अरेस्ट हुआ तो उनके पास अब राइट होगा नोटिफाई करने का पर्सन को ऑफ देयर चूजिंग अबाउट देयर सरकमस्टेंसेस। मतलब जैसे कि समझ करिए ए है, ए व्यक्ति को अरेस्ट करा जाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि वो इस व्यक्ति को अब ये एक राइट मिलेगा, एक हक में मिलेगा कि वो अपने द्वारा किसी भी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को बता सकता है अपनी पूरी चीज़, अपने पूरे सरकमस्टेंसेस के बारे में, अपना अरेस्ट हुआ है उसकी क्या चीज़ें चल रही हैं सब चीज़ के बारे में। क्यों? ताकि इस बात को गारंटी करा जाए कि उसे भी सपोर्ट मिल सके तुरंत और हेल्प मिले फॉर अ पर्सन हु इज़ अरेस्टेड, है ना। अब इसको भी तो हेल्प मिल सकती मिले कि भाई मान लो क्या कुछ गलती से ही अरेस्ट हुआ हो या जो भी हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे एक हक प्रदान किया गया है। चौथी बात कि एडिशनली अरेस्ट की डिटेल्स वो फटाफट से डिस्प्ले करी जाएंगी पुलिस स्टेशन में। ये नहीं चुप्पे से किसी को अरेस्ट करके आप पुलिस स्टेशन के अंदर डाल दो। अरेस्ट की प्रॉपर डिटेल्स फटाक से डिस्प्ले करी जाएगी पुलिस स्टेशन में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। तो इससे काफ़ी आसान हो जाएगा परिवारजनों को, दैट इज़ फैमिलीज को और फ्रेंड्स को, कि भैया ये अरेस्टेड इंडिविजुअल यहाँ है और उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ये मिल जाएगी। अभी आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कई बार कि क्या होता है कि अंदर चुपचाप अरेस्ट कर लिया गया और जो है वो किसी ऐसे ही अननोन कोर्ट में जाके या अननोन पुलिस स्टेशन में जाके चुप्पे से जो है वो उसको डाल दिया गया। तो लोग पता लगा रहे हैं भैया कौन से पुलिस स्टेशन में है, कहाँ से बेल कराएं, क्या करें क्या ना करें। तो अब यहाँ पे इस चीज़ से थोड़ा सा जो है इस पर ध्यान दिया गया है। पाँचवीं बात ये कि और केसेस को और मजबूत करने के लिए, इन्वेस्टिगेशंस को और मजबूत करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट। अब फॉरेंसिक से तो हम सभी को इस CID के जो है वो डॉक्टर सारुके वगैरह याद आ जाते हैं, तो उनको जो है वो आप फॉरेंसिक समझते होंगे, फॉरेंसिक लैब्स क्या होती हैं। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं वो अब क्या करेंगे कि वो पहुँचेंगे क्राइम सीन्स पे और फॉर सीरियस ऑफेंसेस के टाइम पे, एंड वहाँ से वो एविडेंसेस जो भी होंगे, प्रूफ जो भी होंगे वहाँ से इकट्ठा करेंगे। फर्दर जो एविडेंस कलेक्ट जो कलेक्शन का प्रोसेस होगा, जो ये प्रूफ्स वगैरह को कलेक्ट करने का जो पूरा ये जो प्रोसेस होगा क्राइम सीन के अंदर, इस पे वीडियोग्राफी होगी ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि अरे ऐसा तो नहीं हुआ था, अरे ऐसा कहाँ हुआ था, अरे नहीं 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 उन्होंने ये बयान दे दिया, उन्होंने ये बयान दे दिया, और इससे जो है वो सब कुछ केस गड़बड़ जो जाता है वो कुछ नहीं होगा, उसकी प्रॉपर वीडियो बनेगी। छठी बात, ताकि जो है ना कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे साक्ष्य जो है वो गायब कर दिए जाते हैं। छठी बात कि न्यू लॉज प्रायोरिटाइज करेंगे इन्वेस्टिगेशन को ऑफेंसेस की अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो नए लॉज हैं वो बच्चों और महिलाओं के खिलाफ हुए ऑफेंसेस को, जुर्म को प्रॉपर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा कि इसको प्रॉपर आपको कंप्लीट करना है 2 महीनों के भीतर ही, जैसे ही इनिशियल रिपोर्ट दिखाई जाएगी। एडिशनली विक्टम्स जो हैं उनको रेगुलर अपडेट पे उनके केस का क्या प्रोग्रेस चल रहा है उसको लेके प्रॉपर उनको अपडेट में मिलेगी हर एक 90 दिनों में।
सातवीं बात कि जो नए लॉज हैं इस बात को इंश्योर कराएंगे कि जो विक्टिम्स हैं क्राइम्स के अगेंस्ट वुमेन या चिल्ड्रन, जिन लोगों ने जुर्म किया है बच्चों या महिलाओं के अगेंस्ट, उन्हें यहाँ पे ये क्या हो, मतलब देखिए ये न्यू लॉज इंश्योर दैट विक्टम्स ऑफ, आई एम रियली सॉरी, यहाँ सातवां पॉइंट यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा मिसअप्ट हो गया, कि जो बेचारे जिनको जो है तकलीफ हुई है, जो विक्टम्स हैं ना अगे क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन के, उन्हें फ्री फर्स्ट एड मिलेगी और मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा सभी हॉस्पिटल्स में, ठीक है ना, जिनको भी यहाँ पे तकलीफ से नहीं पड़ी है और उनको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो ये प्रोविज़न गारंटी करती है कि फटाफट से इमीडिएट एक्सेस बेचारों को मेडिकल केयर के मिले, जिससे फोकस हो कि उनका रिकवरी जल्दी से हो उनके डिफ़िकल्ट टाइम्स में। ऐसे क्या होता है ना कि कहाँ से आए हो, क्या आए हो, पहले लिखवाओ, पहले इनसे लो, उनसे अप्रूवल लो, ये करके आओ, वो करके आओ, ऐसे तो हम नहीं जो है यहाँ आपको रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, अब उनको तुरंत मेडिकल एड मिलनी चाहिए, एक अच्छी बात है। आठवां चेंज ये है कि समन्स कैन नाउ बी डिलीवर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। ऐसे देखो, समन क्या होता था कि समन पहुँचता था फिजिकली, बहुत सारी जगह पे जो है लीगल प्रोसेस इसमें बहुत डिले हो जाता था, तो अब समन इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचेगा, इससे लीगल प्रोसेस फटाफट से होगा, पेपर वर्क कम होगा और इस बात को इंश्योर कराया जाएगा कि फटाफट इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो अमंग ऑल पार्टीज जो भी इस केस में या किसी भी केस में इन्वॉल्व है। नाइन्थ बात ये कि स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक ऑफेंस जो औरतों के अगेंस्ट हैं उसमें एक फीमेल मजिस्ट्रेट को यहाँ आइडली क्या होगा, वो रिकॉर्ड करे प्रॉपर विक्टम का स्टेटमेंट। हाँ, कौन? फीमेल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करे विक्टम का प्रॉपर स्टेटमेंट कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे ये जो है मजिस्ट्रेट अनअवेलेबल है तो मेल मजिस्ट्रेट यहाँ पे काम करेगा, लेकिन इसमें एक औरत की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो इस बात को इंश्योर कराएं कि सेंसिटिविटी और फेयरनेस हो और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो। आदमियों के सामने कभी कभी कुछ ऐसी तकलीफें होती हैं कि औरतें सही से अपना बयान नहीं दे पाती, तो एक औरत अगर रहेगी तो उसे उसको सपोर्ट मिलेगा, उस पूरे जो है एनवायरनमेंट को और ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, दसवीं और आखिरी बात ये कि दोनों ही अक्यूज्ड और विक्टम के पास राइट होगा कि वो FIR की कॉपीज पाएंगे, पुलिस रिपोर्ट पाएंगे, चार्जशीट, स्टेटमेंट, कन्फेशन और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को पाएंगे विद इन 14 डेज। कोर्ट को अब यहाँ अलाउ करा जाएगा कि मैक्सिमम 2 एडजमेंट हो ताकि अननेसेसरी डिले यहाँ रोका जा सके हेयरिंग्स में और टाइमली जस्टिस मिल सके, सही टाइम पे न्याय प्रदान किया जा सके। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, उससे अपडेट अभी रेगुलर इससे रिलेटेड और भी अपडेट्स मैं आपके सामने साझा करती रहूँगी। तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ऑल्सो यू कैन जॉइन माई मेम्बरशिप एंड सपोर्ट मी इन माई वर्क। इसके साथ साथ मैं एक वर्चुअल लाइब्रेरी नाम से इनिशिएटिव रन कर रही हूँ जिसका बैच 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप मुझे वहाँ पे जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे 9919785532 पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप से लेके सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे हर जगह फॉलो करिए ताकि आपको ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।